मामला तुमसर की यूएसए विद्या निकेतन का। यूएसए विद्या निकेतन स्कूल का ऑडियो वायरल होने से मची सनसनी। यूएसए विद्या निकेतन स्कूल के प्रिंसिपल ने की शर्मनाक बात। फीस न देने से माने की भी दी धमकी। पालक ने लगाया आरोप। बच्चों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रिंसिपल ने पालक से घुटनों में बैठकर मंगवाई माफी। फिर भी परीक्षा में नहीं दिया बैठने। बच्चे के भविष्य के साथ की खिलवाड़। भंडारा जिले के तुमसर तहसील की जाने मानी स्कूल यूएसए विद्या निकेतन में पालक और प्रिंसिपल का पालक पर रोष का ऑडियो हुआ वायरल। इस ऑडियो में प्रिंसिपल ने पालक पर प्रेशर डाल फीस न भरने पर बच्चे को परीक्षा में बैठने नहीं दिया। इतना ही नहीं तो पालक के साथ अपशब्द में बात की। जब प्रिंसिपल इस तरह बात करने लगा तो पालक ने बच्चे के पढ़ाई के बारे में पूछा तो उसे बाहर निकाल दिया गया और मारने की भी धमकी दी गई। ऐसा आरोप पालक ने लगाया है। इससे यह साफ दिखाई दे रहा है कि प्रिंसिपल ने किस तरह बात की। यूएसए विद्या निकेतन के प्रिंसिपल ने क्या क्या बात कही इस 30 मिनट के ऑडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इसके बाद भी पालक ने घुटनों पर बैठकर माफी मांगी ताकि उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने दिया जाए। लेकिन 10वीं की परीक्षा के सराव की परीक्षा शुरू है, फिर भी उस बच्चे को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है, जिसके बाद पालक ने न्याय की गुहार लगाई है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पार्ट 2 में पालक से बात कर करेगा बड़ा खुलासा। प्रिंसिपल सर से मिलना है। क्यों? बात करना है। नहीं तो बताइए ना सर, मैं वैसे चिट्ठी भेजूंगी, मेरे को नाम के साथ भेजना पड़ता है कि आप फीस के लिए लेने करने फोन किए थे, उसी विषय में उसी बारे में बात करना है सर से। फीस के विषय में बैठ रही नाम बताइए। अपना नागेश्वर राव। गुड मॉर्निंग सर। आप बाहर होके बच्चा बच्चे के सामने नहीं बात? नहीं सर, आ जाओ सर, मैं बोल रहा हूँ ना, बच्चे के सामने बात, जब जरूरत पड़ेगी तो आएंगे। आप बाहर होके बेटा, मैं बात करता हूँ। ठीक है ठीक है, प्लीज ऐसा नहीं करिए ना। आप प्रिंसिपल का ही नहीं सुनेंगे? नहीं, बच्चा वो स्कूल में नहीं पढ़ता, दूसरे स्कूल। कोई भी हो, बच्चे के सामने थोड़ी हम पेरेंट्स से बात करने के लिए बैठे ना। आप और मैं पेरेंट्स और प्रिंसिपल है, बच्चे के सामने हमने क्यों बात करना? ठीक है, हस्बैंड वाइफ ने बच्चे के सामने कभी बात नहीं करना, मैं तो वही बोलता हूँ। बोलिए सर। लेने कर जी ने फोन किए थे, और क्या बोले? लेने कर ने फोन किया था। हाँ, कि थर्ड इंस्टॉलमेंट बाकी है तो पे कीजिए। कौन से क्लास में बच्चा आपका? 10th में है। अभी तो पूरा ड्यू है सर, ड्यू है, पूरा ओवर ड्यू है ना। फिर तो थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट बाकी है। हाँ, ओवर ड्यू। इसके पहले क्लास टीचर ने फोन किए थे मेरे को कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं डालते, थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं डालते तो बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। ठीक है, तो सर आपके पास में वो मोहनीश राव का रिजल्ट भी होगा जो बच्चा पढ़ रहा है, और वो बच्चा सर फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहा है स्कूल में। फर्स्ट स्टैंडर्ड से बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, तो बच्चा जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से जब पढ़ रहा है, रेगुलर है ना, तो सर आज वो 10th में आपने फीस के लिए फ़ोन किए, आपकी फीस नहीं पहुंची, आपने फ़ोन किए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने बोले अगर आप पे नहीं करते थर्ड इंस्टॉलमेंट तो हम आपके बच्चे को एग्जाम नहीं देने देंगे। ठीक है, आपने अपने हिसाब से बोले, ठीक है सर, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th तक आता है, और 10th में आके वो 14-15 मार्क जब लेता है सब्जेक्ट में, तो फिर बच्चे ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9th तक क्या पढ़ा? एक बताता हूँ मैं आपको। आपका बच्चा है। हाँ, अगर मान लीजिए कल आपका बच्चा शराबी हो जाता है, बिगड़ जाता है, हाँ, तो क्या माँ बाप को फांसी के बंधन में चढ़ाएंगे कल अगर आपका बच्चा? नहीं तो मेरे को एक बात बताइए ना सर, सुनिए ना। इतना था ना, 10 साल से आप सो रहे थे क्या? क्या 10 साल से क्यों नहीं? बहुत बार आया मैं, बहुत बार आया। आए ना। हाँ, आपके पास चॉइस है। अगर आपको लगता है कि स्कूल ने बराबर नहीं पढ़ाया, आप स्कूल से निकाल कर दूसरे स्कूल में डाल सकते थे। ये बात बराबर बोले, ये बात आपको किसी ने रोका था 10 साल? ये बात बराबर, किसी ने हाथ पकड़ के आपको रोका था? ये बात नहीं रोका।
अच्छा। रही बात अभी फीस की, अगर आपको प्रॉब्लम है, ये नहीं बोलता प्रॉब्लम किसी को भी आ सकता, मुझे भी आ सकता है, हाँ। अनिल अंबानी को भी प्रॉब्लम आता है, हाँ। किसी को भी आता है, हाँ। अगर आपको देर इज अ सिस्टम, हाँ। आपका काम क्या था, आप आते, आप एक लेटर दे देते कि फलाना फलाना मुझे प्रॉब्लम है, मैं ये तारीख को दूंगा या ऐसा दूंगा या इंस्टॉलमेंट में दूंगा, जो प्रिंसिपल के हाथ में, तो मैं तो नया प्रिंसिपल हूँ, लेकिन एक बात बताए, जो प्रिंसिपल के हाथ में होता प्रिंसिपल करता, जो अगर मान लो मैनेजमेंट केस में होता वो वहां पे रेफर करता, मैनेजमेंट से आपकी बात करा देता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, इतनी बात करने की जरूरत नहीं और इतना अकड़ने की बात नहीं होती थी, अकड़ने की नहीं, ऐसा एटीट्यूड करके बात, एटीट्यूड की बात ही नहीं ना सर, मेरे को एक बात बताइए, सुनिए सर, मैं आके आपको, मेरा बच्चा एक अभी पार्टी में है सर, सुनिए सर, ये फालतू बात मेरे साथ नहीं करता, गेट आउट, गेट आउट, मेरे का मतलब नहीं है, मेरी औकात नहीं है ऐसा बात करने की, ऐसा करके बात नहीं करना प्रिंसिपल से, समझ रहा मेरा, एक बार की बताऊं तेरे को सर, आपका आपका अभी आठवीं स्टैंडर्ड का बच्चा, पहले पैसे पर बात बात कर, चल निकल यहां से बाहर, निकल बाहर, प्रिंसिपल को मालूम है, अभी मैं पुलिस को नंबर अंदर करवा दूंगा, बुलाओ बुलाओ, मेरे कैबिन में आके तू ऐसा ठोक रहा, मेरे को तूने खरीद के रखा, मेरे को अब मेरे को, तूने मेरे को खरीद के रखा, अंदर करवाने की बात, तमीज से बात कर, तमीज से बात कर, आपसे तमीज से बात करिए, ऐसा ठोकना ठाकना नहीं, ये प्रिंसिपल दूसरा होगा, मैं क्या बोल रहा हूं, बात कर रहा मालूम है, चल निकल यहां से, निकल निकल, आप राइटिंग में दीजिए मुझे, मैं राइटिंग में आंसर करूंगा, गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट, आई डोंट वांट टू टॉक टू सच पेरेंट्स, नहीं सर, मेरे को एक बात बताइए, आप अपने आप, मैं सिक्योरिटी वाला बोला मुझे, निकल यहां से, क्या निकल यहां से, मैं मेरे जॉब, मेरे सवालों का जवाब दो ना आप, मैं निकलूंगा ना, राइटिंग में दे, मैं राइटिंग में आंसर करूंगा, क्या राइटिंग में, राइटिंग में दे, क्या राइटिंग में, तू बताओ तेरे को जो भी प्रॉब्लम है राइटिंग में दे, मैं राइटिंग में आंसर करूंगा, तेरे को और मेरे को बात, आप बोल रहे हो सर, ये तुमने ऐसा बच्चों से बात क्या बोल रहे हो, सुनो सुनो सर, अच्छे से बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, मैं आपसे अच्छे से ही बात कर रहा हूँ, आप जो है ना अच्छे से बात करके मेरे साथ नहीं करना, अब मैंने अकड़ से कौन सी बात किया, ये खरीद के नहीं रखा तुमने स्कूल, तुमने को किसने रोका था 10 साल, हमने क्या घंटी बजा के बुलाया था तुम्हारे को, बात वही है ना, सही बात बोल रहे हैं, हाँ। और तुम पैसा नहीं भरेंगे और ऊपर से सीना चोरी भी करेंगे, तुमने दिए क्या लेटर, तुमने लेटर दिए क्या कि तुम्हारे को तकलीफ है, तुमने नहीं दिया ना, हमने 10 साल हमने तुम्हारे को घंटी बजा के बुलाए थे क्या, यहाँ पे 15 स्कूल है, भेजना था ना अपने बच्चे को 15 स्कूल में, तू यहाँ पे भेजा, अगर इतनी तकलीफ थी, यही तो गलती हुई हमारी की, हमने निकाले नहीं ना, किसकी है, तुम्हारी है, हाँ गलती यही हुई हमारी की, हमने निकाले नहीं, तो आपकी गलती के लिए मेरे को नहीं बोलने का, अच्छा, और मेरे से जब प्रिंसिपल से बात करते हैं ना, तमीज से बात करने, मैं आपसे तमीज से बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल नहीं हूं, आपसे तमीज से, अरे ये पटकना पुटकना जो है ना, ये तुम सर में चलता हूं, तुम्हारे स्कूल में नहीं चलते जब तक मैं यहाँ पे हूँ, मैं पटका नहीं सुन लिया, पटका आपने क्या बोला, नहीं तो मैं बात करूंगा, नहीं वो स्टेटस से जाएंगे यहाँ से, मेरे को बात नहीं करना है, आपने स्टेटस बताया इसलिए मैं बात की आपसे, सुन लीजिए, अगर आपको अच्छे से बात करना है तो आप बात करिए, नहीं तो आप यहाँ से बाहर जाइए, मेरा कैबिन है, मेरे कैबिन में मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं आ सकता, आपकी परमिशन लेके आया हूँ, अभी मैं आपको बोल रहा हूँ गेट आउट पे, क्यों, हाँ, मैं मेरे सवालों मेरे पर के अंदर परमिशन लेके आएंगे, और मेरे को अगर ये आपको मैंने क्या बोला, हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, हाँ, आपका क्या है, आप राइटिंग में दीजिए, हाँ, हम आपको राइटिंग में जवाब देंगे, और उसके पहले पहले फीस भरिए, ठीक है, उसके बाद में बाकी की बात करूँ, जाइए अब, जाइए अब, मुझे बात नहीं करना आपसे, मैं आपको अभी फीस देता हूँ, मेरे को मेरे बच्चे की उसका एग्जाम का क्या रिजल्ट है वो मेरे को अभी लिख के दो, क्या अभी कल कैसे देंगे, आज आप फीस भरिए, हम कल आपको रिपोर्ट देंगे उसका, क्यों क्यों, तुम्हारे घर के नौकर है क्या, आपने पहले अपने मर्जी से आएंगे और हम नहीं, आपने पहले इसमें लिख के दिए थे क्या कि आपका बच्चा होशियार होना चाहिए, आप हमारे स्कूल में एडमिशन कराओगे तो लिखे लिखे दिए थे क्या आपको, आपने ये क्या, अगर अगर कोई स्कूल में बच्चा नापास होता है सर, नहीं, कोई स्कूल में बच्चा नापास होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्कूल बाप की, यानी सिर्फ स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को एक बात बताइए, आप ये कौन से कोर्ट ने बोला है, ये आप मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, हाँ। कि आप जब बच्चा स्कूल में आता है, बच्चे स्कूल में डाल के माँ के पैसे पढ़ के तो नहीं निकलता, स्कूल आता है तभी पढ़ता है ना, घर में क्या करता है, स्कूल कंची खेलता, क्या घर में कंची खेलता, स्कूल का के लिए आज कंची खेलने आ रहा है क्या बच्चा, स्कूल कंची खेलने आ रहा है क्या बच्चा, और घर में क्या, घर में तुम घर में माहौल गंदा रहेगा, काय का तुम क्या यहाँ पे बोलोगे, काय का माहौल गंदा रहा है, कितने बार हमारे घर में क्या देख लिया आपने, हमारे घर में क्या देख लिया सर आपने, तो आपने स्कूल के अंदर क्या देख लिया, आपने स्कूल के अंदर क्या देख लिया, मेरे को वही तो बताओ, आपने हमारे घर की बात की, तो हमने आपने हमारे घर में क्या देख लिया, क्या देख लिया आपने, बच्चे की जिम्मेदारी माता पिता की भी होती है,
स्कूल की भी मेरे को एक बात बताइए, बच्चा क्या डॉक्टर बन जाता क्या, हर बच्चा इंजीनियर बन जाता भाई, डॉक्टर इंजीनियर की बात नहीं कर रहा हूं, नापास भी होते हैं बच्चे, मैं क्या बोल रहा हूं, नापास भी होते हैं, सरकारी स्कूल में भी नापास होते हैं, सुनिए फीस नहीं भर रहे और अहंकार दिखा रहे, क्या बात कर रहे तुम, अहंकार दिखाने की बात ही नहीं, आप जैसे पेरेंट से बात भी नहीं करना यार, मैं खड़े भी नहीं रखता तुम्हारे जैसे पेरेंट, मैं तो आप जैसे उसे भी बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन बच्चा है करके आ रहा हूँ, बच्चा है करके आया हूँ, निकाल लो, मैं बच्चा है करके आ रहा हूँ, और वो भी टेंथ का साल है उसका, करके आपसे बात करने आया हूँ, अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ सर, मेरा आप आठवीं क्लास के बच्चे को बुलाओ, मेरा अभी पांचवी स्टैंडर्ड का फाइव स्टैंडर्ड का बच्चा है, उससे कॉम्पिटिशन करवाओ, आप उसको मैथ लो इंग्लिश लो कोई भी सब्जेक्ट लो, उसको बच्चे को, अरे सर सुनिए सर, आदमी जब एक बार डाल दिया ना तो आदमी सोचा आज नहीं सुधरेगा कल सुधरेगा, स्कूल के कोई ना कोई तो टीचर उसको ओपिनियन करेगा, कोई ना कोई टीचर तो उसको गाइडलाइन करेगा, आपके स्कूल में क्या हुआ है मेरे को, मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, और आप मेरे को बोल रहे हो कि आप ऐसा मत ठोको, मैंने क्या गलत बोला आपको, बताओ मेरे को क्या बोला आपको, जाइए सर आप फीस भरिए, बात क्या फीस भरिए, राइटिंग में देना दीजिए, हाँ अगर फीस नहीं भरूंगा तो आप उसको टेंथ के एग्जाम नहीं दोनों देने दो, गया ये बोल रहे हो मेरे को, तुम्हारे पास 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदने के लिए पैसे है, अरे 50 का खरीदो, क्या बोले क्या बात कर रहे तुम, आपकी क्या तकलीफ है बताइए ना, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है सर, मेरे को तकलीफ है कि मेरे बच्चे का रिजल्ट क्या है, मेरे को वो बताइए ना, मैं फीस तो अभी भर देता हूँ सर आपको, भरो ना फिर बाद में बात करते हैं, तो मेरे को रिजल्ट दो ना सर, रिजल्ट क्या है, आज भरेंगे जिस दिन देंगे उसके दूसरे दिन, क्या दूसरे दिन देंगे बोल रहे हो, मैंने बोल दिया वो बच्चे का रिजल्ट नहीं है, आप वो बच्चा आज दसवीं में है, उसको दसवीं में स्कूल में एग्जाम दे रहा है, अभी 14 और 15 मार्क लेके आ रहा है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या देख रहे थे ऐसा पेरेंट, तुम साल भर क्या देख रहे थे, तुम क्या देखे क्या बच्चे के पीछे लगे रहेंगे, स्कूल में काहे के लिए आता है, सुनिए सर, स्कूल ने बोला स्कूल में पढ़ना ही इम्पोर्टेंट है करके, हाँ उनसे कोर्ट ने बोला तो फिर घर में पढ़ाते सर, पढ़ाओ घर में पढ़ाते, पढ़ाओ ना काहे के लिए स्कूल में बैठे, भेजो ना मत भेजो मत भेजो, अगर स्कूल में पढ़ने से ही सब अच्छा हो जाता था, हाँ, तो कोई जरूरत नहीं थी, स्कूल में भेजना जरूरी नहीं है, आपके कहने का मतलब यही है स्कूल में भेजना जरूरी नहीं है, हिंदी भी नहीं समझती तुमको, कुछ नहीं समझता तुम, जाओ यहाँ से, क्या हिंदी भी नहीं समझती, आप बोलो, आप बोलने के पहले सोचते रहो क्या बोल रहे हो, सर प्लीज लीव माय केबिन, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, ठीक है, आप एकदम से तो गेट आउट बोल रहे हो सर, बिल्कुल, हाँ ये बदतमीजी मेरे पास नहीं बता, अरे मैंने क्या बोला सर आपको, ऐसे क्या बोल दिया मैंने, बताओ आप मेरे को, पहली बात ना क्या बोल दिया मेरे को, आप जो एटीट्यूड से आए ना सर, क्या सर क्या एटीट्यूड को मैं जेब में रखता हूँ सर, मैंने आते बराबर गुड मॉर्निंग बोला सर, और आया पूरे महाराष्ट्र में जो है ना, विनोद पिल्ले के बारे में पूछ लेना कि क्या चीज है, उसके बाद में बात करना, ओ आप कोई भी हो मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, आप जिस चीज है चेयर पे बैठे हो, ये ठोकना ठाकना मेरे पास नहीं, ये नहीं मेरे कैबिन में नहीं करना, मैं क्या प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं शेखता नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर होंगे, मैं अगर सही हूं ना आप किसी को नहीं छेड़ता, आपने अभी ये जैसे ठोके आपने, मैंने क्या ठोका, मैंने क्या बोला अभी आपको, क्या बोले आपने, जोर से ये पटका आपने, क्या बोले, मेरे को बात ही नहीं करना है आपसे, मेरे को आपसे बात ही नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, आई डोंट वांट टू टॉक टू, फिर काय के लिए बुलाया आपने, मैंने बुलाया के सिस्टम ना आपको लेने का फीस भर दीजिए, बाद में बात करो, आप पहले फीस भरिए, मेरे को रिजल्ट बताओ ना मेरे बच्चे का क्या है, फीस भरिए उसके बाद आपको नेक्स्ट डे रिजल्ट मिलेगा, मेरे को मेरे बच्चे का रिजल्ट बताओ, अभी तक वो क्यों कमजोर आया था 14 और 15, आप राइटिंग में दो ना मेरे को कि मेरे बच्चा क्यों कमजोर है, मैं राइटिंग में आंसर करूंगा, मैं बोला हिंदी समझती ना, हाँ आप लिख के दो, हाँ मैं लिख के आंसर करूंगा, क्या लिख के दो, वो तो बच्चा फेल भी हो जाएगा, तो भी मैं आपके आपके स्कूल में जो भी रिजल्ट आएगा मेरे को मंजूर है, लेकिन आपके जैसे स्कूल नहीं बोलता हूँ मैं, तो तुम्हारे जैसे पेरेंट नहीं देखा, आपके जैसे प्रिंसिपल भी नहीं, और गेट आउट क्या बोलोगे, मैं खुद जा रहा हूँ, नहीं है तुम्हारे औकात नहीं है, गेट आउट, गेट आउट, अरे तुम्हारे औकात नहीं है बच्चों को पढ़ाने की, गेट आउट, चल बेटा गेट आउट, आपके स्कूल से तो छोटी स्कूल अच्छी है, जिसमें बच्चा आज भी मैं टैलेंट के साथ में बता दो, आपका आपके आठवीं स्कूल का बच्चा और मेरे पांचवी मेरे पांचवी का बच्चा, आप कॉम्पिटिशन में निकालो सर, मेरे को अगर वो बच्चा मेरे को ऐसे मत लेके जाओ, मैं अभी दो कान के नीचे दूंगा, मैं आप ऐसे नहीं लेके जाएंगे, मैं ऐसा बात करेगा ना, मैं खुद जा रहा हूँ, दो कान के नीचे दूंगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, निकल रहा हूँ ना, मैं निकल यहाँ से, मैं निकल रहा हूँ बोला सर, निकल निकल रहा हूँ ऐसे हाथ से बाहर, ऐसे नहीं, तेरे को दो कान के नीचे दूंगा, क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर, सुनो मैं
तू स्कूल में आके गाली भरेगा? गाली नहीं बकता दूंगा मैं तेरे पास भाई। गाली नहीं बकता प्रिंसिपल को ये करेगा। मैं आपको गाली नहीं, स्कूल को गाली भरेगा। मोबाइल तोड़ना नहीं, जो एक फाइट। देखो सर आप चल निकल यहाँ से। निकल रहा हूँ, निकल मोबाइल छोड़ो, निकल निकल रहा हूँ, निकल यहाँ से। ये तेरे को मालूम नहीं अभी मैं कौन हूँ, समझा? मैं तेरे को अंदर कराऊंगा, बेल नहीं मिलेगी तेरे। मैं क्या बोला सर? आप अंदर कराते हो? रुक, नहीं देता मोबाइल, चल जा, नहीं देता मैं तोड़ डालूंगा। तू पुलिस स्टेशन जा, मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट, पुलिस को बुला। और निकलना तू, मैं क्या बोलूँ तेरे, निकलता आ जा, आ जा, आ जा, आना नहीं आना। ए बुला पुलिस स्टेशन, अंदर कराते स्कूल के अंदर में आ। मैडम बताओ सर, प्रिंसिपल को गाली रखेगा? आपको गाली नहीं, मेरे को पहचानता तू? आपको दो दिन नहीं हुई तेरी ऐसी की तैसी। सॉरी बोल दिया मैंने, कान पकड़ के सॉरी बोल। अरे बच्चे की फीस के लिए आया था मेरे को, तो प्रिंसिपल को गाली मत। तेरी औकात है मेरे को खरीदने की? मैं अगर गाली दिया हूँ ना, गाली अगर दिया हूँ तेरे को, तेरे को क्या लग रहा है प्रिंसिपल? सर जी प्लीज, सर जी छोड़ दीजिए। हजार लोगों को ले गया मैं, बताता हूँ तेरे को विनोद पिल ले गया। करके तो सीएम को फोन, मेरे को किसी को फोन नहीं करना है सर। मैं आपको बोला मेरे बच्चे की, मैं अपने बच्चे की लाइफ के अंदर मैं आऊंगा, पेरेंट जैसे आना, मैं पेरेंट जैसे जिंदा गाड़ दूंगा, जिंदा। हाँ सर जी, सर प्रिंसिपल को गाली मारेंगे। दस दिन नहीं हुआ तू मेरे को बता रहा? सर आपको कुछ भी नहीं बोला सर, उल्टा लटका दूंगा, उल्टा लटका दूंगा। ये दुबे सर के साथ करना, ये विनोद पिल्ले छीरे डालूंगा मैं तेरे को। नहीं मैं कंप्लेन करूंगा, उसका पहले पूरा मोबाइल चेक करेंगे क्या है कितनी, मैं पुलिस स्टेशन में सबमिट करूंगा क्या है क्या नहीं। जा जा, पूरी तेरी अभी मोबाइल की कुंडली निकालता। मेरे को घुटने पे सॉरी बोल, यहाँ पे पहले पूरे यहाँ पे सॉरी बोलते मेरे स्टाफ के सामने, तो झाड़ी बकरा स्कूल को। आप अभी मैडम को पूछ रहे कितनी बार यहाँ पे बैठे होंगे क्या? मैं इनसे आदमी हूँ सर, उल्टा लटका दूंगा तेरे को। सर सुनिए, आपके सुनने में प्राइम मिनिस्टर भी होंगे इसमें कुछ नहीं। मैं अभी आप करके बात कर रहा हूँ, अभी तक तू तू करके बात कर रहा था, प्रिंसिपल बोल रहा था, मतलब समझता? मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला, और प्रिंसिपल बोला बोला भी होगा, मतलब समझता? देखो मतलब समझता, मैं अगर बोला भी होगा सर तो मैं आपको सॉरी बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने ये चीजें नहीं बोला हूँ। सुनिए सर, मिनिस्टर राउत साहब को फोन कर, बोलना विनोद पिल्ले की बात कर रहा है। मैं किसी को, राउत है ना तू, राउत साहब को फोन कर। सर मैं वो किसी को फोन करने की जरूरत नहीं, उनको फोन से पूछो, तेरे को दो कान के नीचे देंगे कि विनोद पिल्ले से काय को उलझा कर। सर मैं बोल रहा हूँ, मेरे स्कूल में आके मेरे को बोलेगा? ये यहाँ के स्टाफ होंगे उनके लेते। सर मैं आपको उल्टा लटका दूंगा, यहीं पे गाड़ दूंगा। क्या बोलेगा? मैं घुटने में बैठू, ठीक है मैं घुटने में बैठ रहा हूँ, मेरे को मोबाइल दो। गलती किसकी है? फीस तूने नहीं भरा है, तू मेरे को सुनाएगा? फीस मैं अभी भर रहा हूँ, मेरे को मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मेरे को बच्चे का रिजल्ट क्या है सर? मैंने पूरा सुना तेरी बात, सुनो तूने जो बोला बेटा, तेरे को गाड़ दूंगा जिंदा यहाँ पे, मैं साल के लिए अंदर जाऊंगा, वो चलेगा मेरे को। हाँ अगर ये याद रखना, मेरे से नहीं करना मुझे। आपको अगर ऐसी बोला, उन्हें वर्ड बोला है, ये मैं सॉरी बोल रहा हूँ, उन्हें वर्ड सॉरी बोलना नहीं है। ये मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि माइक में कुछ भी दुनिया को बोल दी और सुन लेंगे। ये दूसरे प्रिंसिपल से तू बात कर रहा है? नितिन राउत साहब को फोन लगा, मेरे को बता लगा उनको, और उनको कुछ विनोद पिल्ले से मेरी झंझट हुई। किसी को मेरे को फोन लगाने की जरूरत लगाना है? मैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए आया हूं। हां तो पेरेंट जैसा है ना, मैं अपने पेरेंट जैसा जाना, बच्चे के भविष्य के लिए आया हूं। तेरे को तमीज नहीं है बात करने की स्कूल के अंदर? तू क्या बच्चे के भविष्य की बात कर रहा है? मैं आपको कि मेरा मेरा चिल्ला चिल्ला कर अभी तक कुछ भी हुआ, तुम लोग स्कूल में चिल्लाएंगे और तुम्हारा हो जाता है? हां सुनिए सर, मैं आपको ऐसे कुछ भी नहीं बोला, और मेरे को पहचाना नहीं बेटा,
मोबाइल जरूरी है मेरे से नहीं करना, मेरे पेट की भूख ये है वो मोबाइल, मेरे मोबाइल जरूरी है सर। मैं आप बोलो आपके सामने अभी मैं माफी मांगा ना सर, और क्या करूँ मैं, बोलो ना। मेरे को राइटिंग में लिख के दे कि मैंने बोला है, मैं गलती हो गई मेरे से बात कर। नहीं मेरे को राइटिंग में लिख के दे, तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा। मैं 10-15 मिनट में मेरे को राइटिंग में लिख के चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करके तेरे को अंदर करवाऊंगा। आज तो छोड़ ले, देख ले, चल मेरा आखिरी दिन है स्कूल में, चल समझ। तेरी तो करके किया तेरे को तो बता दें, दोनों आ जाओ, उससे वो लिखवाओ कि मैंने फीस नहीं भरा, मैं प्रिंसिपल के कैबिन में आया और प्रिंसिपल को गालू गलौज किया, स्कूल को गाली गलौज कर रहा था, मैंने तक बोला यूज़ किया, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए और इसके आगे में मैं नहीं करूँगा। वो चीज़ उतना लिखवा के दो उससे, और उसके बाद में जब यहाँ पे आएगा तो मैं उसको बोलूँगा आप मेरे को माफ़ी दो, फिर से वो चीज़ रिपीट करेगा। उसका वीडियो लेना, उसका फ़ोटो लेना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वीडियो लेने के लिए, फ़ोटो लेने उतना लेकर फिर मेरे को भेजो। उसको बुलाओ, उसका फ़ोटो लो, ये देते हुए, ये देते हुए मेरे को बोलेगा सॉरी सर गलती हो गई, और उसका आप फोटो ले लो, फोटो और वीडियो लो, वीडियो रेडी रखो। उसको बोलो ला के सर को दो, और तुम वीडियो लो और मेरे को वीडियो दे लो, उनका वीडियो लो, बोलिए सॉरी बोल के दीजिए। सर जो भी मैं आपसे ले रहा हूँ, जो भी आपको बोला, जो भी सुना हूँ, आपसे माफ़ी मांगता हूँ। तो प्लीज रिक्वेस्ट ने मेरे को बस नहीं नहीं बोला, नहीं मेरे बच्चे की कसम करो आपने बोला आपका स्कूल ये वाला आपने बोले मेरे को ना सर एक चीज बता रहा हूँ, बोला मेरे को किसी ने गला भी काटेगा ना मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरे माँ बाप को कोई बोलेगा फिर नरेंद्र मोदी बोलेगा तो मैं नरेंद्र मोदी की भी एमसी। सर आप बोल रहे हो तो मैं बोला हुआ उसके लिए मैं आपसे समाज देता हूँ, और मैं यही बोलना चाहता था आपको, मेरे बच्चे का भविष्य क्या सर, मैं फीस तो आपको सर को भी एक चीज, अगर आप मेरे को 2 महीना पहले भी आते ना, मैं मेरे को सिर्फ 2 महीना हुआ आके यहाँ पे, ये 2 महीना पहले भी आते ना तो 2 महीने में मैं आपके बच्चे का भविष्य बनता हूँ। 2 महीने में क्या किया बताता हूँ मैं, मैंने 3 बार सेमिनार लिया सर, मेरे आपके बच्चे ने बताया मैं अगर मैं अपने बच्चे की फीस भरता हूँ साल भर, मेरे को अगर बच्चे का रिजल्ट नहीं मैं क्या करूँगा, बात करने के ठीक है सर, मेरे बच्चे का भविष्य ठीक है, एक साल खराब हो जाएगा उससे, उस चीज़ ज्यादा कुछ नहीं होगा, और 50,000 मेरे को एक साल में लगेंगे उसकी, कोई भी स्कूल में दाखिला कराऊंगा एक साल लगेगा उसका, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।